एमएलए साहब अली जनाब आसिफ उर्फ राजू इब्ने नूरुद्दीन सेठ, एमएलए साहब शहर बेलगाम के जुमला उलमाए किराम और शहर बेलगाम के तमाम मसाजिद और मोहल्लावारी जमातों और यंग कमेटियों के सुदूर अराकीन की मौजूदगी में सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम ने सब के राय मशवरे पर यह फैसला लिया कि इंशाअल्लाह ताला सन 2023 1445 सन हिजरी का ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 1 अक्टूबर को होगा और इंशाअल्लाह ठीक सुबह 10 बजे जिना चौक फोर्ट रोड बेलगाम से ये जुलूस शुरू होगा। फिर उसके बाद अपने मुतय्यन रास्तों से होता हुआ असद खान दरगाह पर जाएगा, फिर वहाँ उसकी मुकम्मल कार्रवाई होगी। ये सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम की जानिब से ऐलान। हज़रत, जैसा कि अभी जुलूस के ताल्लुक से मुख्तलिफ राय आई और अक्सरियत की राय का एहतराम करते हुए शहर और रियासत के अमन शांति को ध्यान में रखते हुए मुत्तफ़ा तौर पर सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम के ज़िम्मेदारान ने हमारे कायद और लीडर मौजूदा एमएलए बेलगाम नॉर्थ जनाब आसिफ नूरुद्दीन सेठ साहब, उलमा और जमातों के ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में ये मुत्तफ़ा फ़ैसला लिया है कि 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार जुलूस का आगाज़ होगा और मुकर्ररा और मुअय्यना रास्तों से होते हुए हज़रत असद खां लाहौरी दरगाह में पहुंचकर जुलूस अपने रिवायती साबका रिवायत के साथ इख्तिताम पज़ीर होगा। इस मौके पर सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा, जुमला ज़िम्मेदारान बिलखसूस हमारे नौजवान आने बेलगाम से कि जुलूस पाक वक्त की पाबंदी करें, जुलूस का अदब एहतराम का ख्याल रखें और हर उस हरकतों सकनात से आप परहेज़ करें जिसमें जो इस्लाम के मुनाफी है या ईद मिलाद या इस्लामी अमन व शांति के मुनाफी है और कहीं हमारी हरकत हमारे शहर की बदअमनी का सबब ना बने, मैं इतनी गुजारिश करूँगा। अल्लाह सुबह 10 बजे मालिक अली मस्जिद से स्टार्ट होके असद खान डेयरी दरगाह वहाँ पे मुकम्मिल होगा। ये फैसला सभी जमातों में, सभी यंग कमेटियों में, उलमा इकराम ने सबकी बात सुन के ये फैसला सीरत कमेटी ली है और इसका हम तायद करते हैं और हम सब मिलके 1 तारीख को एक डिसिप्लिन के साथ में और शोर शराबा ना करते हुए, हमें डॉल्बी वॉल्बी कुछ नहीं चाहिए, दरुद पढ़ते हुए हम जुलूस निकालेंगे और एक अच्छी तरीके से जुलूस हम करेंगे। आज की अहम मीटिंग सीरत कमेटी ज़िला बेलगाम की मौजूदगी में सरपरस्ती में हो रही है। एमएलए साहब आली जनाब राजू नूरुद्दीन सेठ साहब तशरीफ ला रहे हैं, हम सीरत देखने को मिले तरतीब ना मिले। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जिस जात करीमा से मुतालिक हम मीटिंग करने के लिए बैठे हैं वो आपके हमारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला तो था कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश विसर्जन एक ही साथ आने की वजह पर गौर वोस करना। दूसरा था मोहल्ले के डेकोरेशन वाले अपने इलाके के पुलिस स्टेशन को इतला करें कि हम डेकोरेशन करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट था बड़ी रात को अपने ही मस्जिद में इबादत करें, अपने ही इलाके में रहें और रात को डेकोरेशन देखने के लिए न जाएं, उस रात अपने ही मोहल्ले की मस्जिद में इबादत के साथ गुजारें और डेकोरेशन देखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से 2 दिन की और इजाजत है, आप 2 दिन
मिलादुन्नबी के दो दिन के बाद भी जुलूस डेकोरेशन देख सकते हैं, और डेकोरेशन दो दिन तक रखने की बात डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। और चौथा पॉइंट है, जुलूस ठीक 9:30 बजे शुरू होगा, 2 बजे दोपहर में खत्म होगा। आपसे ये राय चाहते क्या हम सीधी ईद मिला के जुलूस निकालें या उसमें जरा तब्दीली लाई जाए दिन आगे या पीछे? पहले तो ये तय हो, एक तो 19 या 30 का मामला है चांद का, तो 19 को आने पर कौन सी तारीख को जुलूस होगा, 30 का चांद होने पर कौन सी तारीख को जुलूस होगा, एक तो बात ये हुई। और जैसे मोबाइल ने पूछा उनका 28 तारीख को फिक्स है, और सब 11 दिन में करते हैं, ये सब अधिक महीना है बोलते हैं, 10 दिन में करते हैं, 28 तारीख है। हमारा तो 16 तारीख को चांद चांद देख के हमारा तय होता है, तो उसके बाद में ही फैसला कर पाएंगे हम के 28 को है कि 29 को है। मैं फैसला लेने वाला कोई नहीं होता है, जैसे आप राय दे सकते हैं वैसा मैं भी राय दे सकता हूँ। सीरत कमेटी है, उनका एहतराम है, उनका फैसला लेंगे। 16 तारीख के बाद में चांद देख के जो भी वो फैसला लेंगे, हमें मंजूर है, हमारा राय दे दिया जाए। मेरा नाम रफीक अहमद है, तो हाजरी तो 2 बजे खत्म होते हैं, तो सुबह 3 बजे खत्म हो जाएगी। और उनका जो है गणेश जो निकलने वाले हैं वो मेरे ख्याल से मगरिब के बाद में निकलेंगे, क्योंकि दरमियान में गैप करता है। तो हम अपने जितने भी अवगम हैं अपने भाई लोगों से बोल सकते हैं कि भाई देखो उनका ये है और ऐसे ऐसी बात है, और हमारे को पूरे डिपार्टमेंट से ऐसी शक्ति आई हुई है, आप लोग अपने अपने घरों को बर्फा कर जाए और अपने आप को महफूज रखें, यह आप बता सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी जनाब बेगम, हम अफवाह ने इनको चुना है, ये खुद नहीं आकर बैठे, हमने अफवाह को चुना है, सिलेक्ट कमेटी खुद हमसे बैठा देगी, ये हमारा हक है, हम उनके बात को माने, जो उनका फैसला होगा गणपति पूरे इंडिया में पूरी है, कहां कहला कैसी थी हम लोग उसको खबर नहीं है, कब क्या मिला। मैं क्या चाहता हूँ उसी वक्त 28 तारीख को सुबह में जुलूस हो, दूसरे दिन खत्म हो तो बेहतर रहेगा, तो कल 2 दिन बात करेंगे करेंगे कुछ मसला आएगा तो बराबर हमारी ईद नहीं रुकी, हमें ईद हराम नहीं करना है, और उसने मेरे ऐसी राय है कि 28 तारीख को शो नसीब अशरफ खतीब के मामले को पूरा करने से तो हमारे सामने दो बातें हैं, 28 तारीख को होगी मिलाद का जुलूस, 28 तारीख को होगा या 29 तारीख को, ये तय नहीं है। तो मेरी राय ये है कि हम ये सोचें कि 28 को आया तो क्या करना है और 29 को आया तो क्या करना है, इस पर गौर करेंगे तो बेहतर होगा। बाबूलाल पांडवा, मैं एक सेक्रेटरी हूँ जमात के सेक्रेटरी, इसलिए मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जो बाकी का जो हम करते हैं जो है, और पुलिस कहते हैं कि जो है 9 बजे से जो है 2 बजे के अंदर करना, 2 बजे के अंदर तो होता नहीं है क्योंकि उधर खाना खाना रहता है और लेट होने वाला, इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो 12 का जो जुलूस जो है 1 तारीख को करना बेहतर है। मैं बहसीत तंजीम कमेटी असद गुलाम मस्जिद की पुस्तान से कर रहा हूँ, मोहम्मद यासीन शमसुद्दीन से पटवेदार, मेरी तो राय है कि जितने इतवार के दिन अगर करेंगे सब मिलकर के तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वक्त और हालात जो है इतने नाजुक और इतने खतरनाक हैं कि आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि अगर मामूली से कोई मौका अगर जैसे हमको मिले तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें देखने से शहर की जगह तब्दील हो जाएंगे और शहर का नक्शा ही बदल जाएगा। मैं शरीफ अहमद शरीफ से इस वक्त का आम नागरिक, तो इस पर भी आपका कहना होना चाहिए, सिर्फ जुलूस की
बात नहीं हो, डेकोरेशन भी उस दिन दोपहर में बंद करके अगले दो दिन का जब आपके पास टाइम है तो आप प्रोग्राम मुलतवी करें, बच्चों के तकारीर वगैरह बाद में रखें, ये एक पॉइंट। और दूसरी बात यह है कि आप पर्दम पर्दम सब के रह लेंगे तो बहुत इसमें वक्त जाएगा और इसमें मीटिंग सुलझने के बाद उलझ जाएगी, क्योंकि हर एक के अपने ख्याल। आप अपना स्टैंड सीरत कमेटी की जानिब से हमारे सामने रखें, अब उसकी तायीद या न तायीद करना या उसके प्योर में कितने लोग हैं उसके उसके उसको नहीं पसंद करते उस पर जो है पास आप है, ये मुनासिब मेरा है। मैं मुजम्मिल लोनी सिटी गारपुर का वेलकम सिटी गारपुर से अपोल सेक्रेटर। जैसा कि बोले कि जुलूस दो बजे खत्म होगा, लेकिन जारगा गली का जो हमारा डेकोरेशन रहता है वो तो डेकोरेशन रहेगा, उसके बाद में जो वहां से जो खड़क गली की जो गणपति जो आती है उसको हम कैसे हटाएंगे, वहां पर भी मसला होने के चांस है। वहां है और एक दो तीन आजम नगर है, वीरभद्र नगर है, अलग अलग एरिया है, तो मेरी शाहू नगर है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता है अगर उलमा और हमारी सीरत कंपनी मिल के अगर इसको एक दो दिन अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मैं अशफाकोड़ा मैं हमारे तमाम जिम्मेदारों की दिशा लेकर बात कर रहा हूँ, थोड़ा गौर फिक्र करें। कल की हमारी जो मीटिंग है वो कल होगी हमारे अंगोत्री मोहल्ले के अंदर, उसके बाद हम आपसे रब्ता कायम करेंगे। हमारे विभाग के हालात ऐसे हैं तो इसके ऊपर इस आपकी सीरत कमेटी और उलमा जो राय देंगे उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ईद की अहमियत उसी वक्त है जब ईद वक्त पे हो, और साथ साथ हमें अपने शहर की रियासत की अमन शांति का भी ख्याल रखना है। यकीन इस्लाम अमन शांति का मजहब है, हम अपने लोगों को अपने बच्चों को भी किसी तरह के किसी खतरे में नहीं डाल सकते। आज हम तालीम के इस दौरान पे आकर के खड़े हैं कि यहां पर जोश से ज्यादा होश से काम लेने की जरूरत है, जज्बात से ज्यादा संजीदगी से सोचने की जरूरत है। एक नजर जुलूस पे है तो कोई ये सोच रहा है कि उससे पहले बड़ी रात में देर तक मस्जिद में इबादतें होती हैं, नौजवान इबादतों के बाद फिर उनके उनके अपने मामला होते हैं, किस किस को रोकते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि मुफ्ती साहब ने एक अच्छा मशवरा किया अल्हम्दुलिल्लाह कि जुलूस जितना चाहे उतना जल्दी खत्म किया जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद इंतजार करके घंटे दो घंटे में भी जुलूस अगर हम खत्म करेंगे भी तो जब सामने रहेंगे उलमा और सीरत कमेटी की उनका तो जुलूस खत्म हो जाएगा, मगर नौजवान उठते ही 10 बजे हैं, उनकी शुरुआत ही 12 बजे से जुलूस की होती है, उनको क्या किया जाए और उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है और कहाँ कहाँ तक समझाएंगे क्या करेंगे, ये एक मसला है। और दूसरी बात यह है कि उस दिन कितना ही जल्दी जुलूस खत्म किया ही जाए तो ये लाइटिंग बंद भी किया जाए तो ही क्या लोग लाइटिंग देखने के लिए आना और उस रात को कम से कम देखने के लिए दमघटा लगना कुछ ना कुछ परेशानी होती है कई बार। और दूसरी बात हमारा जुलूस खत्म करके पुलिस डिपार्टमेंट का भी सोचना है, इंतजामिया का भी सोचना है, अगर खुदा ना खास्ता नौजवान कुछ गड़बड़ कर दिए या जुलूस देर कर दिए पुलिस उधर इंतजाम में रहकर रहेगी या वहां से फिर उनको निकाल करके गणपति विसर्जन के इंतजाम में लगना रहता है। तो इन तमाम बातों की पेश नजर मेरी अपनी जाती राय यह है कि जुलूस को जो है नहीं मुलतवी करके एक दिन दो दिन बाद ही अगर किया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर है, फिर भी जो है सबकी इतफाक राय क्या होती है इस पर जो है फैसला हो। मेरा नाम मोहम्मद शोएब रजा सदी वो इमाम अहले सुन्नत वल जमात जामा मस्जिद नई गली शाहपुर बेलगा। अगर सब लोग हमारी तरफ से भी यही राय है 28-29 ये दो दिन छोड़कर जो है चाहे शनिचर को चाहे इतवार को ये दो दिन में से कोई भी एक दिन जो है सिर्फ जुलूस के लिए मुकम्मल फिक्स कर लें, हमारे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर करने को रह
करते हैं अटल तारीख को, 28 तारीख को केंद्र में चलेगा हमारे जो मिलाद के दिन मिलाद हुआ तो भी अच्छा है। अगर मीटिंग में जो मैं बात कर रहा हूँ जो फोकस कर रहा है कि हमारे जुलूस कम निकले या कम निकले, लेकिन असम अगर साहू का तरफ से देखेंगे तो वहां जो सबसे पहले जो है गणपति बैठने के बाद 2 या 3 दिन के बाद पब्लिक आना जाना चालू हो जाए, तो हमारे शाहपुर के हालात या सब हालात देखकर जो दानिशमंद हजरात सियासत हजरात और जो दानिशमंद हजरात है नायक बना अभी हमारे जो हमारे मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हर पहलू की तरफ से गौर करो कि इससे हमारी कौम को कैसा फायदा पड़ता है कि शरीयत क्या हुक्म देती है और हम कौन सी शरीयत से हमारी कौम को बचा सकते हैं। तो ये आप उन्होंने सजेशन दो कि हमारे पास ऐसा करें तो ऐसा होता है, ऐसा करें तो ऐसा होता है, अगर हम सब किराए लेंगे तो यहाँ बोलेंगे कि आपने देखिए हम हर दिन तैयार और ऐसा बस गया है। मेरी राय यह है कि अगर और मेरी राय है कि जिस दिन जुलूस अंदर है हमारा उस दिन जुलूस आने का सुबह है और लाइटिंग का जो मामला है तो जुलूस के लिए भी सुबह कार्य रखना अच्छा है कि मतलब जुलूस होना और जो दिन जो होता है हमारा वो दिन भी होना चाहिए। सभी के तो अपने राय दे चुके हैं शरीयत के हिसाब से तो सबसे पहले मैं कहता हूं इस सिलसिले में मुझे किसी
किसी तरह का कोई गिरा चिपका नहीं होगा और उसका एग्जाम ना हम सीरत कमेटी पर करेंगे ना किसी फर्द पर, बल्कि इत्तेहादी खुदू से दिल से इस फैसले को तस्लीम। मेरा नाम इमरान फतेह है, मैं सबसे ज्यादा रहता हूँ ठीक है। सीरत कमेटी गुलमान हो रहा है, हमने उनकी राय मशवरा करके उनकी राय मान ली थी, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दो दिन की बात चल रही है आगे एक वो तो 28 एक तारीख है गणपति के दिन से लगता हुआ जुलूस की बात पेशा मानना ही तो क्या उसके पूर्ण बहुत बड़ी सीरत कमेटी का असलम सभी चाहे वो 28 तारीख है तो सीरत कमेटी भी 1 तारीख है, मानता हूँ 1 तारीख करके ये कुछ ये थोड़ा नहीं जब होता है आप कह रहे हैं कि 1 तारीख करने का इच्छा नहीं है शरीयत के हिसाब से और जो भी जरूरत है आप लीजिए आपके साथ में किसी किस्म का इंतजार न हो तो इस पर मद्देनजर रखते हैं, ये बेहतर होगा कि ये जो प्रोग्राम है विशेष साहब ने बताया, हमारे मंजूर अहमद साहब ने बताया, तो इसको एक बार